कहते हैं ना कि भगवान का पता नहीं क्या इंसाफ है, और मतलब कब किसी के साथ क्या होता है ना, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़, अगर आप में से कोई लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे तो उन्हें ज़रूर पता होगा कि आज तक के न्यूज़ एंकर थे रोहित सरदाना, उनका जब मैंने न्यूज़ देखा ना कि उनका, उन्हें भी मतलब कोरोना हो, कुछ दिन पहले हुआ था कोरोना उन्हें भी, बट उनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मतलब मौत हो गई। तो मतलब ऐसे मतलब सडन डिमाइज, अगर इतने कम एज के, मतलब यंग थे काफ़ी, उनका एज करीबन शायद 41 या 42 ईयर्स के ही होंगे, उससे ज़्यादा तो आई थिंक नहीं था उनका एज। तो और उनके मतलब दो छोटी छोटी प्यारी, मतलब इतनी क्यूट, इतनी मासूम सी बच्ची थी कि मतलब यार देखकर बहुत बुरा लगा कि मतलब क्या है, क्या हो रहा है। मतलब मैं रात को ऐसे ही मतलब यूट्यूब देख रही थी तो उस पर उनकी बेटियों का कुछ कुछ ऐसा वीडियोस डाला हुआ था जिसमें उन्होंने अपने पापा को लास्ट ट्रिब्यूट दिया एंड कुछ पोएम्स वगैरह अपने फादर को डेडिकेट किया था। मतलब देखकर इतना बुरा लगा ना कि मतलब हम लोग बहुत, ऐसा नहीं है कि वो मेरे कोई रिश्तेदार थे या फिर कुछ, मतलब एक होता है ना यार कि ऐसा ऐसा न्यूज़ देख कर ना बहुत बुरा लगता है कि मतलब वो दो छोटी छोटी बच्चियों को शायद ढंग से ये भी नहीं पता होगा कि उस लोग, उन लोगों पे क्या बीत चुका है, क्या हो गया है अब। और इस तरीके से मतलब इतना कोरोना का भी अभी खौफ है, एक तो माहौल में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है, और ऊपर से अभी मतलब जहाँ भी देखो ना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैली हुई है। जब देखो, जब कुछ सुनो तो हमेशा ही कुछ बुरा ही सुनने को मिल, मतलब आज से 3 दिन पहले पता है क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ना ड्यूटी से आए, मॉर्निंग ड्यूटी से आए, उसके बाद फिर अचानक से ना उनको फील हुआ कि उनके गले में ना थोड़ी सी खराश महसूस हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मुझे कुछ अच्छा, मतलब नॉर्मल सा तो फील नहीं हो रहा है, शायद लगता है पता नहीं कुछ भी हो सकता है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो मतलब ये बात सुनकर ना हम लोग इतने ज़्यादा टेंस्ड हो गए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि फटाफट से उनको एक अलग से रूम में क्वारंटीन कर दी मैं, और बिल्कुल से सारा कुछ सामान उनका अलग कर दिया। उसके बाद जाकर फिर हम लोग 3 दिन तक इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे कि मतलब लॉक तो दूर की बात, मतलब घर का काम भी ढंग से नहीं किया जा रहा था। तो उनको हम मतलब 3 दिन तक पूरी तरह से उनको आइसोलेट करके ही रखा दूसरे रूम में। फिर बट वैसा कुछ परेशानी नहीं हुआ, स्टीम देना बाकी और जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल्स होता है वो सब सारा कुछ ही किए हम दोनों ही मिलकर। उसके बाद फिर फाइनली तो कुछ वैसा हुआ नहीं, उनको ना तो फीवर आई, ना तो जुकाम हुआ, ना तो खांसी हुई, वैसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं आया। सिर्फ कहते हैं ना कि अभी अगर थोड़ा सा भी जुकाम हो जा रहा है ना तो ऐसा ही लग रहा है कि यार कोरोना ही हो जा रहा होगा पक्का, ऐसा सोच कर ना इतना खौफ में दिन गुजरता है ना कि क्या ही बताओ यार, मूड बहुत डाउन है आज। खैर फिर भी दिन की तो शुरुआत करनी ही है तो चलिए करते हैं। आज मेरे हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट था तो वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, तो अब मुझे करने हैं घर के बाकी सारे काम खुद से, क्योंकि मैंने तो आपको पहले अपने पिछले ब्लॉग में बताया है कि कोरोना की वजह से हमने भी मतलब मेड को हटा दिया है, तो अभी सारा कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो मस्त होंगे, चकाचक होंगे, टन टनाटन होंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग मैं आज से मतलब 8 बजे से शुरू कर रही हूँ, तो मेरे पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए प्लीज़, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। पहले, हाँ 2 दिन या 3 दिन पहले फार्मेसी से कुछ मेडिसिन ऑर्डर किए थे, क्योंकि अभी मेडिकल स्टोर पे जाना ना बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे, तो मैं सोची कि क्यों ना घर बैठे ही फार्मेसी से ही ऑर्डर कर दिया जाए। वो अभी जस्ट डिलीवरी होने ही वाली है, उन्होंने मुझे जस्ट कॉल किया था। आपको भी मैं तो यही कहूँगी कि मतलब मुझे जहाँ तक सही लगता है कि आप अभी कोरोना पीरियड पर जितना सेफ रहें, जितना गैदरिंग वगैरह और मेडिकल स्टोर से दूरी बनाकर रखें उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि मतलब टेंशन बाद में हो लेने से बेटर है कि भाई टेंशन थोड़ा पहले ही पा लेते हैं, थोड़ा मतलब पहले ही थोड़ा सेफ्टी बरत लेते हैं, आई मीन टू से दैट। तो चलिए फटाफट से, तब तक जब तक कि डिलीवरी बॉय आता है तब तक कि मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले थोड़ा मतलब ये पी लेती हूँ, आंवला जूस। आंवला जूस ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, ये मोदी केयर का है, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही सही है यार, मतलब टेस्ट में तो सही नहीं है बिल्कुल भी, टेस्ट में तो बहुत ही कड़वा है, बट ये पीना अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें विटामिन सी होते हैं, तो ये मैं लेती हूँ और इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट कुछ ज़्यादा ही है इसमें, तो मैं ये रोज़ दिन अभी जब से ना मतलब सबको कह रहा है कि अभी कोरोना में इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब भी ये जानते हैं, तो इसलिए मैं अभी डेली इसे ले रही हूँ। लास्ट 1.5 मंथ हो गया होंगे या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा ही होता होगा, मतलब मान लो करीब करीब करीब, तो मैंने से मैं इसे रेगुलरली ले रही हूँ। तो आपको जस्ट एक ढक्कन ही, ये जो आपको ये ढक्कन दिया है ना, बस इसी से आपको मेजर करके डालना है, और इतना ही पानी आपको इसी कप से मेजर करके उसमें डालना है। ओके,
और फिर आप इसे पी लो। बहुत गंदा यार, मतलब बकवास। और ये जूस को पीने के बाद ना, मतलब आपको 30 मिनट्स तक कुछ भी नहीं खाना होता है। और ये आपको मॉर्निंग में भी ले सकते हो आप और इवनिंग में भी ले सकते हो, बट बिफोर वन आवर, अपने मील्स के वन आवर बिफोर आपको ये लेना होगा अगर आप शाम को लेना चाहते हो तो। वैसे तो इसे दो बार ही कंज्यूम करना ज़्यादा अच्छा होता है, बट मैं एक ही बार ही पीती हूँ यार, मतलब दो बार नहीं बर्दाश्त होता है। इतना भी ज़्यादा कड़वा बनना दो दो बार दिन भर में कोई कैसे ही मतलब पी ले, तो इसीलिए फिलहाल बस एक बार ही काफ़ी है। और फिर बाकी के लिए मैं विटामिन सी की टैबलेट तो लेती हूँ, तो मतलब एनफ, आई थिंक एनफ विटामिन सी हो ही जाता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेरी बॉडी में। तो अब नेक्स्ट चलिए फटाफट और दूसरे भी काम कर लेती हूँ। अभी तक ब्रश भी नहीं करा मैंने, तो जल्दी जल्दी पहले ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रश करके फटाफट से उसके बाद तो कुछ खा लूँ पहले, उसके बाद फिर क्लीनिंग वाली सारी प्रोसेस करूँगी। सो ये रहा मेरा ब्रश और इसे मैं करने वाली हूँ ब्रश ऐसे ऐसे ऐसे। यार मतलब कोरोना आया और मेरा ये सुख चैन सारा कुछ लेकर चला गया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मतलब आज सुबह में मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ऐसे यूजुअली तो चले जाते हैं ऑफिस, तो मैं हो जाती हूँ बिल्कुल अकेले और अपनी मर्जी से ही सारा काम करती हूँ, मतलब जब जो मर्जी वो करती हूँ। लेकिन अभी मेड नहीं आ रही है, तो इस वजह से मुझे क्या है ना कि मतलब सारा काम भी करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं दोबारा से सो नहीं पाती हूँ और मुझे सारा काम करना पड़ जाता है। तो मतलब देख ही रहे हो आप क्या हाल है। वैसे मेरे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये लगता है कि मैं बहुत ही कामचोर टाइप की इंसान हूँ। मतलब मेरे घर वाले को नहीं, अब तो आजकल मतलब मेरे पति देव को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बहुत कमजोर टाइप की इंसान हूँ लेकिन नहीं यार, मतलब आप तो देख ही रहे हो ना कि देखो जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो उनके पीठ पीछे मैं कितना काम कर रही हूँ, है ना। तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए ये गवाह है। तो मैं ना जब भी रोज़ दिन पूजा करती हूँ, तो पूजा में ना भगवान से बस यही मांगती हूँ कि भगवान प्लीज़ ये कोरोना को जल्दी से इस दुनिया से गायब करो, ताकि मैं दोबारा से अपने घर पे मेड रख सकूँ और फिर से दोबारा जब मेरे हस्बैंड चले जाए तो मैं फिर से सो जाया करूँ। नहीं, मेरे ज़िंदगी में मतलब जो सुख चैन पहले थी वो वापस से आ जाए। नहीं यार, मैं मतलब इतनी भी ज़्यादा सेल्फिश नहीं हूँ कि सिर्फ अपने सोने के लिए ही मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन सच में यार अभी बहुत बुरा सिचुएशन है। तो मैं रोज़ ही प्रे करती हूँ, आप सब भी प्रे करते होंगे कि जल्दी से जल्दी ये पीरियड जो है ये जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सबका ज़िंदगी फिर से पहले की तरह हो जाए और हम सब फिर से अपनी फैमिलीज़ के साथ आउटिंग्स पे जा सके, घूम सके, इंजॉय कर सके घर पे बंद होकर। सच में ज़िंदगी तो सच में ऐसा लगता है ना कि एकदम कैद ही हो गया। वेट करवाने के बिना कोई हद होती है। मुझे पता है डिलीवरी बॉय ने कॉल किया कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे कॉल किया, मैडम ओनली कमिंग इन 15 मिनट्स। उसके बाद हम बोले ओके ओके यू कम। उसके बाद आकर फिर अभी देखो बच्चों बजने वाले हैं कितने, 9:45 होने वाले हैं, 8:45 होने वाला है और अभी तक कोई पता नहीं है। मतलब 15 मिनट्स इन लोगों का कब हो जाता है, कब खत्म हो जाता है, और एक घंटा भी होने को रहता है पता नहीं। और मतलब ये लोग सोचते हैं ना कि यार हम लोग तो वेले हैं, कभी भी फ़ोन कर लो अंदर से आ जाएंगे, आकर के रिसीव कर लेंगे। तो ऐसे ही चलता है। मतलब अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो ना कभी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। मतलब मेरे साथ तो ये अक्सर ही होता है, हमेशा ये कॉल कर लेंगे तब का और लाने में लेट काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं बैठ करके इसलिए ना अब वेट ही नहीं करती हूँ इन लोगों के बाद, फिर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। फाइनली डिलीवरी बॉय आ चुके हैं मेरे डोर स्टेप पे, तो मैं जा रही हूँ जल्दी से उसे रिसीव करने। चलिए चलते हैं। फोन पे है इसे सबसे पहले यहीं पे रख दूंगी और इसे सैनिटाइज करके थोड़ी देर बाहर ही मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी बज चुके हैं 9:30 और मैंने अभी तक क्लीनिंग नहीं की है, सिर्फ बेडिंग्स मैंने सजाया है। तो अभी ना मुझे मतलब मेरे पेट से ऐसा मैसेज आ रहा है, दिमाग को मैसेज आ रहा है कि तुमको ना थोड़ा भूख लग गया है, कुछ खाना थोड़ा डाल दो पेट में कुछ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो बनाना शेक बना लेती हूँ, फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो चलिए चलते हैं बनाना शेक बनाती हूँ और फटाफट से अपने पेट के भूख को शांत करती हूँ। मतलब भूख जब लग जाए ना तो ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ आप काम कर लो उसके बाद फिर खाओ, तो इसीलिए भाई खाना तो ज़्यादा ज़रूरी है पहले, तो इसीलिए मैं भी पहले खा लेती हूँ उसके बाद जाकर फिर बाकी काम समेटूँगी। तो वही मैं जा रही हूँ अपनी बनाना शेक की तैयारी करने के लिए। आप लोगों में से किसको किसको बनाना शेक पसंद है, किसी को अगर पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी बात पता है कि आपको एक बात बताने वाली थी मैं, कि मुझे ना बहुत लोगों ने मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों ने कहा और तो कहा मुझे कि मैं ना थोड़े पहले से ना मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन हो गई है, तो इसीलिए मैं अभी ना क्या करती हूँ ना रेगुलरली, मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं 10-12 दिन से ही ना, मैं डेली बनाना शेक डेली मॉर्निंग में ये लेती हूँ। तो मैं ना ऐसे यूट्यूब पर चेक करी, तो मैं ना देखी कि उसमें ना टिप्स में बताया था कि भाई जिसको भी अपने हेल्थ को सही करना है जल्दी से, तो आप मॉर्निंग में डेली 2 केले की मैंगो शेक, सॉरी मैंगो शेक, बनाना शेक बनाओ और उसे पी लिया करो,
उससे आपके जल्दी ही मतलब हेल्थ अच्छे हो जाएगी। तो इसीलिए मैं भी वही ट्राई कर रही हूँ, शायद मेरी भी हेल्थ सही हो जाए थोड़ी सी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना यार। मतलब देख रहे हो कैसे कैसे दुबली सी हो गई हूँ, है ना। तो ये रहा मेरा बनाना शेक। और वैसे मैं आपको एक बात और बता दूँ, मेरी मम्मी अगर ये ब्लॉग देखेगी ना तो पक्का मुझे बोलेगी कि मतलब टिप्स तुम मुझसे लो और क्रेडिट तुम यूट्यूब को दिया करो। तो वैसे बात दोनों ही सही है कि मम्मा ने मुझे बताया था कि बनाना शेक अगर तुम डेली मॉर्निंग में पिया करोगी तो तुम्हारा हेल्थ सही हो जाएगा, फिर से वापस पहले की तरह हो जाएगा। और मैंने यूट्यूब पे भी देखा था तो इसीलिए चलो तुम भी क्या याद रखोगी मम्मी मेरे ब्लॉग को देखकर, मतलब तुम्हें भी लगेगा कि चलो बेटे ने मेरा मुझे क्रेडिट दे दिया तो चलो अब तुम खुश रहना, हाँ गुस्सा मत होना मुझसे। तो इसीलिए मैं रेगुलरली अभी बनाना शेक लेती हूँ। दूसरा टिप मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जनरली अगर बनाना अपने घर पे लाते हो तो वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। फिर इसमें आप रखोगे ना तो उसकी जो पील्स होती है ना, मतलब ऊपर के छिलके जो होते हैं वो ब्लैक हो जाती है। तो ये एक टिप है ना कि उसके ऊपर में जो डंठल लगी रहती है ना उस पर अगर आप एल्युमिनियम फॉइल आप रैप करके रखोगे ना तो वो करीब लगभग 10 से 12 दिन तक आप उसे अच्छे से फ्रिज में रख सकते हो और आपकी बनाना जो होगी ना वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो मैं ये जैसे आपको टिप दे रही हूँ, मैंने तो ये देखिए मेरे बनाना के क्या हाल हो चुके हैं, ब्लैक ब्लैक सा हो गया है इसका, क्योंकि मैंने ये टिप पे ना एल्युमिनियम फॉइल नहीं रैप किया था, थोड़ी आलसी हो गई। बिल्कुल फ्रेश ही है अभी, सिर्फ पील्स ही अभी ब्लैक हुए हैं ऊपर, वो भी ज़्यादा ब्लैक नहीं हुए, ठीक ठाक है। तो मतलब कहते हैं ना यार कि टिप्स इंसान दूसरे को ज़्यादा देता है, खुद पे अप्लाई नहीं करता, मेरे साथ भी वही बात है खुद तो मैं खुद भी करती नहीं हूँ और आप लोगों को टिप्स पे टिप्स बताई जा रही हूँ। खैर चलो जो भी हो, अगर आपको काम आ जाए मतलब हेल्पफुल हो आपके लिए भी तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। तो आपके पास अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप उसके जगह पे कोई भी प्लास्टिक भी रैप कर सकते हैं उसके ऊपर, कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम फॉइल है तो वो वेल एंड बेटर, तो अगर नहीं है तो उसकी जगह पे आप प्लास्टिक यूज़ कर लो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, मतलब ये बस दिखाने के लिए नहीं है, ये भी मैं डेली मॉर्निंग में खाती हूँ। ये देखिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स और आटा मिला करके ये अपने लिए सुबह में मॉर्निंग में मैं ये डेली खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लड्डू बना कर खाती हूँ। इसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत सारा डालकर पूरा बनता है ये, और घी डालकर बनता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने पूरे भर कर बनाई है, ये देखिए इतने सारे और ये सारा मेरे पेट के अंदर जाने वाला है, फिर भी ऐसे बेचारी सी शक्ल है मेरी, क्या करूँ। मतलब घी डाला हुआ रहता है ना तो उसका स्वाद जो रहता है ना इतना इन्हेंस हो जाता है ना, बड़ा मज़ा आता है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी अगर बनाऊंगी तो इसे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लो अभी पहले मुँह मीठा कर लो फिर मैं खाती हूँ। तो मैं सुबह सोकर जब उठी थी ना मेरा मूड इतना भी सही नहीं था, बट आप लोगों से बात करते करते ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बिल्कुल लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि हाँ यार मूड सुबह में इस तरीके का था मेरा। तो अभी हो चुका है पेट पूजा, तो अब काम कर लेते हैं दूजा। तो चलिए फटाफट से बोरिंग वाली काम शुरू करते हैं, मतलब फ्लोर क्लीनिंग वाली काम, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखो ना मतलब सुबह से यार 10 बज चुका है, मतलब सोच रही हूँ कि छोड़ो यार आज मॉपिंग मैं स्किप ही कर देती हूँ, मतलब घर तो साफ ही लग रहा है यार, कल ही तो मॉपिंग किया था मैंने, तो आप छोड़ देती हूँ, क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि पूरा क्लीन क्लीन ही है ना यार, गंदा तो कोई करने वाला है नहीं, ना कहीं बाहर जाना है ना कहीं बाहर से आना है किसी को, तो कितना ही गंदा होगा, साफ ही साफ है, तो स्किप कर। तो फाइनली मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है। मतलब आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं यार जिनको मतलब क्या पसंद है, झाड़ू लगाना ज़्यादा पसंद है या पोछा लगाना ज़्यादा पसंद है, मतलब कुछ भी। मेरी सुबह तो मुझे तो पोछा लगाना ज़्यादा पसंद है, क्यों, क्योंकि उसमें फ़ैन भी ऑन रहता है, मतलब आप जहाँ जहाँ पोछा जिस रूम में पोछा लगाओ उस रूम में फ़ैन ऑन करो, मतलब फ़ैन ऑन करके आप पोछा लगा सकते हो। लेकिन झाड़ू देने में ये प्रॉब्लम है ना यार कि हमेशा फ़ैन ऑफ करो, और उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता है और मतलब जल्दी इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है इसकी वजह से। तो आप सब भी मुझे कमेंट करके बताना, जो भी बालिका और बालक झाड़ू लगाते हैं या पोछा करते हैं तो आप लोगों का फेवरेट क्या है, आप भी सोच रहे होंगे ना कि मतलब क्या ही मैं पूछ रही हूँ, है ना। तो अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल गंदी गंदी, तो मैं जाती हूँ जल्दी से शावर ले लेती हूँ, फिर करूँगी ब्रेकफास्ट,
तो आती हूँ, आप यहीं पर रहना, जाना मत कहीं, ओके, फिर मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस, मैं अभी फटाफट से फ्रेश होकर आ गई हूँ और मैंने पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े सारे डाले थे ना धुलने को, तो अभी उसे बाहर धूप में नहीं फैलाने गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप है यार, मतलब यहाँ तो बहुत एक्सट्रीम धूप है, तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि इसे अब 4-5 बजे तक शाम में डालूँगी तो आराम से शाम तक मैं तो आराम से ही सूख जाएगा, तो इसीलिए वो सब तो बाद में काम होगा। तो अब मैं कर लूँगी फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, मेरा फेवरेट टाइम। तो आप सब भी जाओ अपने अपने काम करो और मेरा ब्लॉग को टाइम मिले तो ज़रूर देखो और लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। तो आपसे मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।